हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मोर इन्फो यूट्यूब चैनल इंडियन नेवी एसएसआर अग्निवीर भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है ट्वेल्थ लेवल की ये जॉब है ट्वेल्थ वेज पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अनमेरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ओके मेरिट इसमें अप्लाई नहीं करेंगे सो so, आज के इस वीडियो में हम एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस इंडियन नेवी जो एसएसआर भर्ती है एसएसआर पोस्ट है इसके लिए एग्जाम पैटर्न क्या रहता है एंड फुल सिलेबस क्या रहता है इस टॉपिक पर मैं क्लियर करूंगी अगर आपने इंडियन नेवी एस एस अग्निवीर का फॉर्म अप्लाई किया है तो वीडियो को एंड तक देखेगा या फिर आप इन फ्यूचर इसका फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको किन किन सब्जेक्ट्स को कवर करना होगा इसके लिए भी आप वीडियो को एंड तक देखेगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए अग्निवीर एसएसआर मीन सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स इसके लिए जो भर्ती होती है उसमें जो एग्जामिनेशन होता है फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑनलाइन बेस्ड एंड सेकेंड रिटर्न एग्जामिनेशन लेकिन दोनों का सिलेबस आपका सेम रहेगा सेम सब्जेक्ट्स रहते हैं ओके एंड इसमें एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चंस रहते हैं हंड्रेड क्वेश्चन हंड्रेड मार्क्स के रहते हैं नेगेटिव मार्किंग रहती है जीरो मार्क माइनस किया जाता है अगर आप एक भी क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं वन क्वेश्चन रॉन्ग होने पर जीरो पॉइंट टू फाइव से आपका मार्क माइनस किया जाएगा आप एग्जाम हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में दे सकते हैं जो भी आपका मीडियम हो ओके सो चलिए अब हम यहां पर सिलेबस देखेंगे इसमें आपके चार सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं चार सब्जेक्ट आपको कवर करने होते हैं जिसमें फर्स्ट होता है साइंस मैथमेटिक्स इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस साइंस में फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट एंड कैनमेटिक लॉज ऑफ मोशन वर्क एनर्जी एंड पावर मोशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड यहाँ पर ग्रेविटेशन इसके बाद इसमें सेकेंड है मैकेनिक्स मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूड हीट ओके थर्मोडाइनमिक्स ऑजिलिटेशन वेव्स ये आपका फिजिक्स से रहेगा सेकेंड इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ये पूरा आपका फिजिक्स से है मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करेंट एंड मै मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रो मैग्नेटिक Inducting and alternating current waves, optics, dual nature of matter and radiations, atomic nucleus, physics, chemistry, guys, mapka, solid and semiconductor devices, principles of communication, metals and non-metals, organic chemistry, food nutrition and health, physiology and human disease computer science. यानी आपका इसमें बेसिक अगर हम देखें साइंस सब्जेक्ट में तो आपका साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री फिजिक्स से ज्यादातर क्वेश्चंस मैथमेटिकली एंड फिजिक्स से ज्यादातर क्वेश्चन आपके किए जाते हैं मैथमेटिक अभी हम देखेंगे सो साइंस सब्जेक्ट में आपका फिजिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग करनी होगी फिजिक्स के ज्यादातर चैप्टर्स आपको कवर करने होंगे और इसमें बताए गए हैं कौन कौन से चैप्टर आपको कवर करने हैं इसके अलावा केमिस्ट्री एंड बायो कंप्यूटर साइंस इससे भी क्वेश्चन आएंगे क्योंकि इसका जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस होती है उसमें आपसे ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिक्वायर्ड मांगा जाता है साथ में आपके पास कोई एक सब्जेक्ट हो या तो बायोलॉजी हो या कंप्यूटर साइंस हो या आपका केमिस्ट्री हो

conic section permutations and combinations vectors exponentials and uh, logarithmic okay series sets uh, sets and set theory statistics introduction of three dimensional geometry probability function limits continuity differences applications of uh, derivatives and uh, indefinite and integrals binomial बिनोमियल थ्योरम्स मैट्रिक्स ओके डिटर्मिनेट डिफाइ डिफिनेट एंड इंट्रीगल्स ये आपका मैथमेटिक्स से है इंग्लिश में आपके पैसेज प्रीपोजिशंस करेक्शन ऑफ सेंटेंस चेंज एक्टिव और पैसे बॉयज पेसिव टू एक्टिव बॉयज चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट वर्ब्स टेंस नॉनफिनेट्स ओके एंड ये आपका पूरा इंग्लिस का दिया गया है एक्जेक्टिव कंपाउंड प्रिपोजिशन ये आपके ग्रामेटिकल क्वेश्चन इंग्लिश से आएंगे साथ में जनरल अवेयरनेस का रहेगा जिसमें कल्चरल क्वेश्चन किए जाएंगे कल्चर से रिलेटेड रिलीजन जियोग्राफी सॉयल रिवर माउंटेन पोर्ट इनलैंड हर्वर्स फ्रीडम मूवमेंट स्पोर्ट्स ओके चैंपियनशिप विनर्स ट्रम्स नंबर ऑफ प्लेयर किसी गेम में कितने प्लेयर्स होते हैं ये पूछा जा सकता है डिफेंस वार्स एंड नेवर्स करेंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट अबाउट इंडियन हेरिटेज, आर्ट्स डांस डांस हिस्ट्री नेशनल लैंग्वेजेस वर्ड एनिमल सॉन्ग फ्लैग मोन्यूमेंट्स कैपिटल्स एंड करेंसी पूछी जा सकती है कॉमन नेम फुल नेम पूछा जा सकता है किसी भी वर्ड को आपको दिया जाता है इसका फुल नेम क्या है ये पूछा जा सकता है अवार्ड्स एंड डिसीज एंड न्यूट्रिशंस अवार्ड्स एंड ऑथर ये पूछे जाएंगे एंड स्पेशल न्यूमेरिकल रीजनिंग ओके एसोसिएटिव एबिलिटी सिक्वेंस स्पेलिंग एंड कोडिंग डिकोडिंग ये आपका आ जाएगा थोड़ा सा जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग से आपका थोड़ा बहुत आ जाएगा क्वेश्चन ओके सो ये सिलेबस है एस एस आर के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आपके एग्जाम दो होंगे लेकिन दोनों में आपका सिलेबस सेम रहेगा लेवल ट्वेल्थ लेवल का रहेगा आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो लाइक एंड शेयर कीजिएगा थैंक यू